शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आरती, आरती, उठो! आरती, क्यों आरती? आरती, 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 उठो! आरती, अबे आरती को उठा के अंदर लेके चलो। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो, हेलो डॉक्टर। माफ कीजिए लेकिन आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने घर जाइए। हमारी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, हमें उसके पास जाना होगा। नमस्ते। अभी अभी एक सेकंड में चेक करती हूँ। ठीक तो है ना? अब आरती और उसके बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, आप ही देखिए। पता नहीं अचानक से आरती को क्या हो गया, देखिए प्लीज। आप सब चिंता मत करिए, ऐसी हालत में अक्सर बेचैनी और थकान की वजह से ऐसा हो जाता है। अब आइए डॉक्टर, मैं डॉक्टर रोशनी शर्मा हूँ। मैंने इनकी पल्स चेक की है और बहुत कम है, आप प्लीज देखिए। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ, आप सब प्लीज बाहर वेट कीजिए। अब हाँ डॉक्टर, मैं यही हूँ आपके पास। अब आप लोग सब जाइए, अब है सबको लेके जाओ ना। क्या 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 हुआ डॉक्टर, सब कुछ ठीक तो है ना? बच्चा कुणाल को जाने ही नहीं देना चाहिए था, जान से मार देते उसे। सही कह रहे थे, अब अगर आरती और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो हम उसे छोड़ देंगे। सबसे पहले तुम लोग अपना दिमाग शांत रखो, कुछ नहीं होगा हमारी आरती को, हम सब है ना उसके साथ, कुछ नहीं होने देंगे। आरती कैसी है, क्या कहा डॉक्टर ने? अब आरती के लिए इतनी चिंता दिखा के तुम क्या साबित करना चाहती हो? श्रद्धा ने क्या किया? गलती इसी की है, जबरदस्ती ये रस्म रख के इसने पूरे घर का तमाशा बना दिया है। हमने जो भी किया ना आरती की खुशी के लिए किया है रोशनी, और फिर उसके पति को बेइज्जत करके घर से धक्के मार के निकाल दिया। तो क्या करते, कुणाल की बदतमीजी झेलते रहते? तुम मानो या ना मानो, कुणाल आज भी आरती का पति है, और तुमने जो कुणाल को थप्पड़ मारे है ना, उसकी गूंज अब भी आरती के कानों में गूंज रही है, जो बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। रोशनी बिल्कुल सही कह रही है, अरे उसे देखना तो चाहिए था कि घर में बाहर के लोग भी मौजूद हैं। बेचारी हमारी बच्ची, पता नहीं उस पे क्या बीत रही होगी, अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। कैसी बातें कर रही है आप भाभी, कि आपका लाडला आज कुणाल का सर फोड़ देता अगर श्रद्धा नहीं होती तो। अरे लेकिन उसी वक्त बिना बात का बतंगड़ बना है, किसी बहाने से उसे यहाँ से भेज देना चाहिए था ना। आरती, आरती अभी ठीक है, आप सभी कोशिश करिए कि घर का माहौल अच्छा रहे, माँ की चिंता का असर बच्चे पर भी होता है। जी शुक्रिया डॉक्टर। आइए डॉक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आरती, तुमने तो हम सबको डरा ही दिया था। बहुत मजा आता है क्या आपको मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में? पहले तो आप मेरा और मेरे पति का सिर्फ परिवार वालों के सामने मजाक बनाती, बेइज्जती करती थी, पर आज तो आपने पूरे मोहल्ले वालों के सामने हमारा तमाशा बना दिया। आरती ये क्या कह रही हो तुम, हमने जो कुछ भी किया सब तुम्हारी खुशी के लिए। मत करो मेरी खुशी के लिए, आप बहुत कर लिया आपने, थक गई हूँ मैं। क्योंकि आपको ना ना मेरी खुशी बर्दाश्त होती है और ना इस घर में किसी और की। आरती शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब बोलते हुए? अभय तुम कैसे भाई हो, अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर भी तुम इस श्रद्धा का साथ दे रहे हो? श्रद्धा गलत नहीं है, और तुमने नहीं देखा तुम्हारे पति ने कैसे पूरे परिवार का तमाशा बना दिया सबके सामने? आरती तुम्हें पता है कुणाल ने इनके साथ क्या हरकत की? एक बार भी उसने अपनी
बच्चे की होने वाली माँ के बारे में नहीं सोचा, कम से कम उसके सामने तो ऐसी गंदी हरकत ना करे। हाँ, अगर हम उसे अभी नहीं रोकते ना तो वो और बदतमीजी करता। अरे वो आया ही था यहाँ पे जानबूझ के सबको परेशान करने के लिए। अरे बस कीजिए आप सब लोग, अभी अभी डॉक्टर बोल के गई है कि आरती को परेशान नहीं करना है। और आप चारों भी इस बात का ध्यान रखिए कि इस बारे में आरती के सामने कोई बात नहीं। तनुजा, आप आरती को ले जाइए, आराम करने दीजिए। हेलो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? बदला चाहिए। अभय और श्रद्धा को सबक सिखाना है मुझे, उसके लिए तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा तुम्हारा काम। क्या हुआ रोशनी, तुमने हम सबको यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? मुझे आरती के लिए बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैंने आरती के लिए मन्नत मांगी है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके आरती के लिए और उसके होने वाले बच्चे के लिए मंदिर जाके उनके नाम की आरती करें। जी, इसको घर वालों की आरती की चिंता कब से होने लगी? ये और भक्ति? पक्का कुछ ना कुछ प्लान कर रही है। रोशनी, तुमने बहुत अच्छा सोचा है। हम लोग सब चलेंगे आरती के लिए। हाँ, सिवाय श्रद्धा भाभी के, अगर वो होंगी तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है तो आप सब जाइए, मैं श्रद्धा के साथ घर पे ही रुकता हूँ। अब कैसी बातें कर रहे हो अभय? अपनी बहन के लिए तो इतना कर सकते हो ना? हाँ अभय, आपको सबके साथ मंदिर जाना चाहिए। मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ तो घर पे रह के थोड़ा आराम कर लूंगी। तो फिर ठीक है, आप सब भी तैयार हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। अभय, क्या हुआ, तुम रो क्यों गए? आप लोग जाइए ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा, श्रद्धा छोटी बच्ची नहीं है जो अपना ख्याल नहीं रख सकती है। वैसे भी तुम्हें ये सब अपनी बहन के लिए करना है ना, चलो फिर। हाँ बे, चलो ना, आओ आओ। अरे बेटा, तुम्हारा ध्यान किधर है, संभल के चलो, आओ बैठो। कुछ तो है जो ठीक नहीं है, पता नहीं मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है। चलो ना, वरना आरती के लिए लेट हो जाएगा। सीटी की आवाज, लेकिन मैंने किचन में कुछ चढ़ाया ही नहीं। ये कैसी आवाज थी?
हे भगवान, श्रद्धा की आवाज आज हमेशा के लिए बंद हो जाए, जिससे फिर कभी वो मेरी और अभय के बीच ना आए। आना नहीं चाहिए था मुझे यहाँ श्रद्धा को अकेले छोड़ के। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे भगवान जी, उसकी रक्षा कीजिएगा, वो ठीक हो बस। अभी तो ये कमरा मैं ठीक करके गई थी, फिर अचानक से ये कैसे? श्रद्धा के लिए इतना डर क्यों लग रहा है? श्रद्धा, श्रद्धा, ये सब कैसे हो गया? मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम कुछ मत बोलो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। श्रद्धा, श्रद्धा, कौन हो तुम? सामने आओ, मुझे डराना चाहते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत हिम्मत वाला काम कर रहे हो? हिम्मत तो तुम्हारी बहुत बढ़ती जा रही है, जब मन चाहा मुझ पे हाथ उठाने की। मरने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। हे भगवान, यहां क्या हो गया? श्रद्धा, 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 श्रद्धा कहीं भी नहीं है। कहीं उसके साथ कुछ बोलिए हमने बात की। हे भगवान, ये अभी कहाँ चला गया? अभी तो यही था ना। अब आप सबने अभय को देखा क्या? नहीं, अरे अभी आरती के वक्त तो यही था, कहाँ चला गया? शायद श्रद्धा के पास गए होंगे या फिर किसी काम से गए होंगे। घर पे तो कुणाल श्रद्धा का काम तमाम करने गया, अभय ने देख लिया तो? निकलने से पहले से वो परेशान था अपनी बीवी के लिए, भला आरती में उसका मन कैसे लगता?
अब मैं देख कर आती हूँ। आखिर यहाँ हुआ क्या है? पूरा घर छान मारा है, श्रद्धा कहीं नहीं मिल रही। श्रद्धा कहाँ हो तुम? श्रद्धा आरती, अरे क्या हो गया था? आरती तुम ठीक तो? आरती तुम परेशान मत हो, हम पानी लेकर आते। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हे भगवान, कोई रोशनी को बुलाओ, वो देखेगा आरती को। अरे रोशनी, आप कहाँ जा रही हैं? देखो आरती कितनी तकलीफ में, देखो ना उसे। वो मैं एक काम करके आती हूँ अभी। काम? तुम डॉक्टर हो, तुम ऐसे मरीज को छोड़ के कैसे जा सकती हो? देखो ना मेरी बहन को कितनी तकलीफ हो रही है, देखो उसे प्लीज। अरे रोशनी तुम्हें देख सकती थी, आरती को तकलीफ क्यों हो रही है? जल्दी आओ तुम। ओके आप लोग हटिए, मैं देखती हूँ। आरती एक सेकेंड, हाथ दिखाओ। इसे भी अभी दर्द होना था। अभय घर चला गया और अगर उसने तहेश में आके कुछ भी गड़बड़ कर दी तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मेरा ध्यान रसोई में क्यों नहीं गया? श्रद्धा, ये सब किसने किया है? किसने किया है? मैं तुम्हें खोलता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं, आज जान से मार दूंगा। श्रद्धा को हाथ लगाएगा तू? श्रद्धा को मारेगा? हाथ कैसे लगाया तूने? तेरे जैसे को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मेरी बहन को हाथ लगाया तूने? फिर श्रद्धा को हाथ लगाया तूने? तू जैसे सांप का फन तभी को चल देना चाहिए था। और तुझे दूध मिल रहा है हमने, तुझे तभी को चल के मार देना चाहिए था। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे आज मैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए अभय भैया। मैं सचमुच से मैं पागल हो गया, मुझे
जिंदगी भर अपना नौकर बना के रही। ना तो तुम माफी के लायक है, ना ही किसी का नौकर बनने के। नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। आरती की कसम यार, आपको आरती। अगर मैं मर गया तो आरती विधवा हो जाएगी, हमारे बच्चे, अरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे भाई, आपकी टूट जाएगी आपकी, मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं होगा तुम्हें श्रद्धा, मैं हो रहा तुम्हारे साथ, तुम जानती हो ना तुम कितनी बात हो श्रद्धा, तुम मेरी बात सुन रही हो, मैं हूँ यहाँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें श्रद्धा, आंखें खोलो श्रद्धा, आ गया से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।